स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न बताने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण गोस्वामी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो क्लास 10 हिंदी में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लोग 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर फर्स्ट से बताता हूं, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है रीति काल के प्रमुख कवि तथा उनके रचना का नाम। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है, ठीक है। उस दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, ठीक है। उसी के साथ एक वीडियो और मिलेगा, तो तीन वीडियो आप लोगों को देखना है और आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट है रीति काल के प्रमुख कवि तथा उनके रचना का नाम लिखिए। जो आप लोगों का रीति काल है उनके प्रमुख कवि तथा उनके रचना का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके विशेषताएं बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, उसे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इसमें हम लोग रीति काल के प्रमुख कवि तथा उनके रचना के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट। रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं, तो यहां आप लोग फर्स्ट डालिए, मैं आप लोगों को दो बताता हूं, क्योंकि दो नंबर में आ जाते हैं किन्हीं दो रीति काल के कवि तथा उनकी रचना का नाम बताइए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का है विहारी, और विहारी के जो आप लोगों को याद रखना है विहारी सतसई, ठीक है। यहां आप लोग इनकी रचना है स्टूडेंट, इतना याद रखना विहारी सतसई, ठीक है विहारी सतसई। और दूसरा स्टूडेंट है इसमें 700 दोहे हैं, ये इनके जो हैं 700 दोहे थे, तो इनका ये एक रचना है इसमें 700 दोहे हैं, ठीक है ये इसमें 700 दोहे हैं। तो ये आप लोगों को फर्स्ट याद रखना है, ठीक है विहारी सतसई और इसमें 700 दोहे हैं, और विहारी लाल जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। नंबर सेकंड आप लोगों का है स्टूडेंट मतिराम, ठीक है मतिराम भी आप लोगों के विहारी, ठीक है विहारी और मतिराम आपके रीति काल के कवि हैं। इनके मैं आप लोगों को रचना बता देता हूँ, जो आप लोगों का मतिराम सतसई, इतना याद रखना विहारी सतसई है और मतिराम सतसई है, ठीक है। और यहाँ आपका दूसरा है इसमें रसराज, ठीक है यहाँ आप लोगों का है रसराज, ठीक है बस इतना ही, दो दो याद रख लो रखना है, ठीक है विहारी और मतराम, इनके विहारी सतसई इनके मतराम सतसई, याद तो एक एक रखना है इनके रचना है, लेकिन दोनों याद कर लो तो बेटर ही रहेगा। इसमें 700 दोहे हैं और रसराज, ठीक है बस इतना याद रखना। अगला हमारा है छायावाद युग के दो कवि तथा उनके रचना का नाम लिखिए। स्टूडेंट मैंने यहाँ रीति काल की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम बताया, इसमें हम लोग छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम बताने वाले हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करना और नोट जरूर बनाना, ठीक है। तो यहाँ छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम क्या है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ आप लोगों का जो प्रथम है यानी कि पहला है छायावादी, तो आप लोग जानते ही होंगे छायावादी आपका जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, इतना याद रखना स्टूडेंट, ठीक है आप लोग थोड़ा याद करिए इस समय, ठीक है। तो छायावादी के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनकी आप लोग जानते होंगे, सॉरी यहाँ आप लोग इनका याद रखना रचना, ठीक है कामायनी और आंसू, यहाँ मैं आप लोगों को दो बता दिया, ठीक है आंसू बस इन दोनों को याद रखना। यहाँ आपका सेकंड है स्टूडेंट महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है इनके जो रचना है यामा और दीपशिखा, ठीक है यामा और दीपशिखा बस याद रखिए थोड़ा, ठीक है यामा और दीपशिखा, ठीक है ये आपका हो गया है छायावादी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम, ठीक है इतना याद रहेगा। तो यहाँ हम आप लोगों को दो बता चुके हैं, अगला आप लोगों का है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा उनके लेखक और रचना का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्या बताना है, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा लेखक का नाम, यहाँ आप लोग कवि तथा रचना लिखिए, ठीक है सॉरी स्टूडेंट यहाँ आप लोग लिखिए रचना, कवि तथा रचना का नाम बताइए। तो यहाँ छाया आपका है प्रयोगवादी धारा, ठीक है यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है
यहाँ इनका नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्या है, सचिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, इन्हें आप लोग शॉर्टकट में अज्ञेय भी कह सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है, तो ये हो गया इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। अगर इनकी आप लोग रचना देखें तो इनका है रचना आंगन के पार द्वार, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आंगन के पार द्वार के जो लेखक हैं वो कौन है, तो थोड़ा याद रखना, नाम जरूर बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, इनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ सेकंड में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, प्रयोगवादी धारा युग के कवि, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक है, यहाँ जो आप लोगों का अगला है धर्मवीर भारती, जिसके लेखक हैं कनुप्रिया, ठीक है, इतना याद रखना स्टूडेंट। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो मैंने हिंदी का इंपॉर्टेंट बताया है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका कॉमा है ना कि द्वारा है, ठीक है। तो अगला हमारा है प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। यहां मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं कि प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहां देखिए इनकी मैं दो कवियों का नाम बताता हूं। मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट में जो था हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण रचना तथा लेखक का नाम बताया था, तो ये सब जो है इनकी रचना का नाम आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, और लेखक तो नाम लिखा ही रहेगा और रचना भी मिल जाएंगे, किस विधा पर है वो भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, और आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवि का नाम लिखना है, इसमें आपको कवि बताना है, तो कवि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कवि आपके हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया पहला। अब यहां हम लोग सेकंड देखेंगे, ठीक है, राम विलास शर्मा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक सुमित्रा नंदन पंत की रचना और रामविलास शर्मा की रचना, इन्हें आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या आप लोग हमारा पार्ट टू वीडियो देखकर उनका देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है द्विवेदी युग की दो कवि तथा रचना का नाम लिखिए, द्विवेदी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम बताना है, तो द्विवेदी युग आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, द्विवेदी युग की विशेषताएं ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवादी युग की विशेषता, प्रगतवादी युग की विशेषता, छायावादी युग की विशेषता, रीतिकाल की विशेषता, ये दो अंक के आते हैं और एक ना एक जरूर आते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं द्विवेदी युग की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम, तो पहला आप लोग याद रखना मैथिली शरण गुप्त, क्या देखना है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, और उनकी रचना है साकेत, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कभी कभी साकेत के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप लोगों को क्या कहना है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ आप लोगों का पहला हो गया द्विवेदी युग की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम, अगर दो पूछेगा तो दो अंक का जरूर आएगा, ठीक है, तो पहला आपका हो गया। आप दूसरा देखिए, दूसरा आपका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगर इनकी मैं रचना का बात करूं तो प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है, इनकी जो रचना है स्टूडेंट वो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना जो है प्रिय प्रवास है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही जरूर, ठीक है,
क्योंकि एक ना एक जरूर आता है। इनकी विशेषता मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, 500 लाइक तक पहुंचाना है, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं आए हूं तो पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे लाइन टू लाइन वीडियो देता रहता हूं, ठीक है। आप लोगों को हिंदी की पूरी तैयारी कराऊंगा, तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करना। और मैं आप लोगों को 3 वीडियो का लिंक दूंगा, उसे आप लोग जरूर देखना, क्योंकि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक है और उसका आंसर भी मिलेगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।